वेलकम फ्रेंड्स, चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर ये फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना राजा को बनानी थी, इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंप कर स्वयं वन को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की भागडोर संभाल ली और वह एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कमरे में जाता, कोठरी में आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला लगाकर उस कोठरी को बंद कर देता और अपने कार्य में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता था कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, मोती, जवाहरात तो खजांजी के पास है, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजात की चाबी मंत्री के पास है। फिर उस छोटी सी कोठरी में क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया, उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करते बताइए कि इस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारा पूछने का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी हट नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई को जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा सारा घमंड समाप्त हो जाता है, तब मैं बाहर आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ भी करने से पहले ही, जब भी मैं अपने मन में कभी ऐसा घमंड महसूस होता है तो हमें अपने पीछे जो लेवल था हमारा, जो हमारा अतीत था, उस पर एक बार देखना चाहिए। उस तो हमें अपना कभी जीवन में घमंड नहीं आएगा।